एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ताकि स्टूडेंट सारे कनेक्ट हो जाएं। राइट, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एजेंट्स को बेसिकली स्टडी किया था, और एजेंट्स की बेसिकली हमने स्टार्ट किया कि एजेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, या एक एजेंट सिंपली क्या होता है। देन उसके बाद हमने कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, मिसाल के तौर पर कि एजेंट बेसिकली किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, या अगर हम एजेंट को एक जनरली या मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन उसकी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इस चीज से हमारा स्टार्ट किया था, और इसके अलावा फिर हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जिनमें एजेंट्स बेसिकली काम करते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स थी, और इसी तरीके से अगर हम रैशनल एजेंट किसी चीज़ को कह रहे हैं या किसी चीज़ के अंदर चेक करना चाहते हैं कि आइदर वो रैशनल है या नहीं है, उसके लिए कौन सी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि आइदर ये जो एंटिटी है, ये एजेंट है, वो सही परफॉर्म कर रहा है या रेशनली परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए 4 स्टेप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। उसके अलावा PEAS उनको डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर था, और इन्वायरमेंट किस टाइप का इन्वायरमेंट में आपका एजेंट काम करेगा, और एक्चुएटर यानी उसके जो मूविंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे,
और सेंसर जिनसे वो बेसिकली सेंस कर रहा होगा अपने एनवायरनमेंट को, तो PEAS किया था। उसके बाद एनवायरनमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स थी, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस पार्शियली स्टोकेस्टिक, पार्शियली ऑब्जर्वेबल वर्सेस फुली ऑब्जर्वेबल, इसी तरीके से स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट थे, और हर डोमेन के लिहाज से ये वेरी करता है कि आपका जो एजेंट है उसका एनवायरनमेंट किस टाइप का होगा। बीइंग अ डिजाइनर और बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑफ एजेंट, आपको उस चीज को डिसाइड करना होता है कि आपका एनवायरनमेंट बेसिकली किस टाइप के या किन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए काम करेगा। तो इस चीज को लेते हुए फिर हमने आर्किटेक्चर्स को डिस्कस किया था, जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स थे, जैसे टेबल बेस्ड एजेंट्स स्टार्ट किया, देन सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के बाद फिर गोल बेस्ड एजेंट्स थे, गोल बेस्ड एजेंट्स के बाद यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स थे, और देन फाइनली लर्निंग बेस्ड एजेंट थे। तो पांच टाइप्स थी, जो छठी टाइप थी वो लर्निंग बेस्ड एजेंट थी। तो सिक्स आर्किटेक्चर्स बेसिकली हमने देखे थे। और जनरली जितने भी एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर वाइज, या जो भी हम अगर डिजाइन करने जा रहे हो, वो इन सिक्स कैटेगरी या इन सिक्स क्लासेस में से किसी एक क्लास में लाया कर रहे होते हैं। फर्स्ट वाला जो हमने टेबल बेस्ड एजेंट था, और उसको हमने इम्प्रैक्टिकल कहा था। उसका इम्प्रैक्टिकल कहने का रीजन उसका सिंपली ये था कि उसमें वो हर दफा जब एजेंट अपने एक्शंस को ले रहा था, तो उसमें वो टेबल लुकअप को यूज कर रहा था। हर दफा जो भी उसके सेट ऑफ एक्शंस थे, तो वो हर दफा उनको पूरे तमाम एक्शंस को सर्च करता था, और तमाम एक्शंस को सर्च करने के बाद देन उसको वो अप्लाई करता था। तो ये बेसिकली स्लो डाउन कर देता था प्रोसेस को। इसी वजह से इसको अगर आप स्मॉल स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर लगाएं तो टेबल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट काम कर सकता है, लेकिन जेनरिक कंडीशन के अंदर वो काम नहीं कर सकता। इसी वजह से इसको इम्प्रैक्टिकल था। फिर इसकी इम्प्रूवमेंट में सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट था, जिसमें वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी, जो कि लेफ्ट और राइट एक दो रूम्स में बेसिकली क्लीनिंग कर रहा था जहां पे भी डर्ट उसको अवेलेबल था, और डर्ट अगर नहीं है तो वो स्टॉप हो जाएगा या चेक करता रहेगा टू एंड फ्रो पीरियोडिकली। फिर लेकिन सिंपल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में जो एक कमी थी या एक जो डिफेक्ट था, वो मेमोरी का था, कि मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें, यानी वो अपनी परसेप्ट सीक्वेंस को बेसिकली मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट था। लेकिन जब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पे हम जा रहे थे, मेमोरी का इशू तो हमने रिजोल्व कर लिया था, लेकिन फिर हमें गोल नहीं पता था कि हमारा गोल एक्चुअली है क्या। तो गोल डिटरमाइन करने के लिए फिर गोल बेस्ड हमने आर्किटेक्चर दिया, और गोल बेस्ड आर्किटेक्चर को और बेहतर करने के लिए यूटिलिटी भी बेसिकली हमारी डिटरमाइन होनी चाहिए, कि गोल तो हम अचीव कर ही रहे हैं, लेकिन गोल अचीव करने के साथ क्या हम बेस्ट पाथ या बेस्ट वेज या बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए यूटिलिटी को हम यूटिलाइज कर रहे थे। तो फिर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को पढ़ा था। और अगर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन से काम नहीं हो रहा, तो हमारे पास लर्निंग बेस्ड एजेंट था, जो कि बेसिकली हर एक्शन के अगेंस्ट फीडबैक लेता था, या हर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट फीडबैक लेता था, और फीडबैक के अगेंस्ट कुछ ना कुछ लर्न करता था, और उस लर्निंग की बेस के ऊपर न्यू रूल्स डिवाइस करता था, और देन वो उस इन्वायरमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो एजेंट ये स्लो था, लेकिन हर इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब जनरलाइज वर्जन कह सकते हैं आप उसको। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ऑब्वियसली उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही मुश्किल काम है। और अगेन बात इसी पे फाइनली कंक्लूड की थी कि जितने भी एजेंट्स के आर्किटेक्चर है, हर एक का अपनी स्पेसिफिक नेचर ऑफ प्रॉब्लम के अंदर यूज केस है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि जब आप डिजाइन करने जा रहे हैं सिस्टम, या आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप किस टाइप के एजेंट को डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके उसके लिहाज से आप चीजों को देखिए, उसके लिहाज से आप आर्किटेक्चर चूज करें, उसी के लिहाज से देन फिर चीजों को आप डिसाइड करें और चूज करें, फिर PAS स्पेसिफाई करें, और इस तरीके से सारे काम करें। तो ये तो सारा बेसिकली बैकग्राउंड था हमारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली कवर किया था। आज के जो लेक्चर है, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स के थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कि जो आपका इस सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट होगा, उसको आप उसको उसमें करना क्या है, उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे, और आप लोग कौन कौन से टूल्स को यूज करते हुए सबमिशन करवाएंगे, और वो टूल्स हैं क्या, उनको कैसे यूज करना है,
तो उसका एक छोटा सा एक रफ बैकग्राउंड आपको मिल जाए, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि आप उससे यूज टू हो जाए और इजीली आप सबमिशन करा सकें। तो इसी वजह से मैंने कहा था, अनाउंसमेंट भी की थी कि ये क्लास नेचर वाइज थोड़ी क्रूशियल है इन रिस्पेक्ट टू योर कोर्स, और उसकी वजह यही है क्योंकि मैं इस चीज को, जो सेशनल मार्क्स हैं उसका एक बड़ा पार्ट आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और मेरी कोशिश मेरी ये होती है कि आप प्रोजेक्ट में लर्न करें, और प्रोजेक्ट में अगर लर्निंग नहीं हो रही तो फिर बाकी चीजों में भी समहाउ इतना अच्छा आप लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप कोई नई चीज सीख सकते हो, तो इसी नई चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी नई चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी लॉजिकल एंड हो या खाली थियोरेटिकल टेक्नोलॉजी हो कोई, या तो कोई कोड लेवल के ऊपर, या कोई यूटिलिटी हो, टूल हो कोई, तो उसके लिए जो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा इस सेमेस्टर का, उसमें आपके दो दो मेंबर्स होंगे, ठीक है, और आप जिस आईडी के पार्ट हैं, जिस तरीके से मैं अभी करंटली दो आईडीज को पढ़ा रहा हूँ, एक संडे को क्लास होती है, वो सारे एमसीएस के स्टूडेंट हैं, और आप लोग बैचलर्स के बीएससीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो बीएससीएस के स्टूडेंट बीएससीएस वालों के साथ ही ग्रुप बनाएंगे, और एमसीएस वाले एमसीएस वालों के साथ ही ग्रुप बनाएंगे, और जिसकी जिस दिन क्लास है वो उस दिन की क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही आपस में कोऑर्डिनेट करके ग्रुप बनाएगा। 2 पर्सन का ग्रुप होगा, 2 पर्सन से ज्यादा अलाउ नहीं है। आप पहले अगर करते रहे साथ काम तो अच्छी बात थी, लेकिन फिलहाल आपको नहीं करना। इस कोर्स के अंदर आपको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, आपका FYP भी 2 पर्सन के ऊपर ही टीम होती है, 3 पर्सन की टीम नहीं होती, तो 2 पर्सन की टीम, 2 पर्सन की टीम होगी, और जो टीम होगी उसमें दोनों मेंबर्स से एक्सपेक्टेशन यही है कि वो इक्वली वर्क करें, ठीक है, कोड के ऊपर भी, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी। डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा डिटेल्ड मांगता नहीं हूँ, लेकिन अगर डिटेल्ड कोई बनाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो आपकी ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से, कितना अच्छा तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, ये आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उसकी बेस के ऊपर ही मार्किंग होगी, ठीक है। टूल्स जो आप यूज करेंगे कोड सबमिशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोड भी कर रहे होंगे, और आपके कंट्रीब्यूशन देखने के लिए इस दफा मैंने, लास्ट टाइम तो मैं मतलब या प्रीवियस इयर्स में तो मैंने इस टूल को यूज नहीं किया, लेकिन इस दफा मेरा इरादा है कि इस टूल को यूज किया जाए। गिटहब और गिट, बेसिकली इसको हम यूज करेंगे, गिटहब और गिट एक ही चीज है, क्या डिफरेंस है मैं उनको बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, आपको गिट आ जाए, आपको गिटहब आ गया, इन शॉर्ट, ठीक है। आसान लफ्जों में गिट क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसकी बेसिक कुछ कमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक जो बेसिक एक एनवायरनमेंट स्टेब्लिश होता है वो कैसे होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको इसकी वेबसाइट है, लिंक अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, git-scm.com/docs स्लैश डॉक्स में चले जाएं, या SCM पे भी चले जाएं, तो भी आपको यहाँ पे इसका जो मेन पेज है इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गिट को, ठीक है, इसकी बुक भी प्रो गिट के नाम से अवेलेबल है फ्रीली टू रीड, ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें इसकी अवेलेबल है, तो आप विंडोज यूजर हैं, लिनक्स यूजर हैं, मैकिंटोश यूजर हैं, आप किसी भी डिवाइस पर काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, गिट के सारे वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से हमारा काम है तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे रहते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी ये गिट का अगेन ऑनलाइन वर्जन जो फ्रीली अवेलेबल है वो है, गिट की वीडियोस, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं कि किस तरीके से विंडोज को के ऊपर उसको सेट करें, किस तरीके से काम करें, और गिट एक्चुअली है क्या, वो तो मैं खुद डिस्कस कर लूंगा, तो इसलिए इस वीडियो की जरूरत फिलहाल आपको नहीं है, वैसे अगर आप इन केस ऑफ रिवीजन या कुछ और करना चाहे तो उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। अच्छा, रेफरेंस मैनुअल को ही हम यूज करेंगे, चीट शीट्स भी अवेलेबल हैं, आप चीट शीट डाउनलोड करना चाहें चीट शीट डाउनलोड कर लें, ठीक है, और विजुअल चीट शीट भी है और नॉर्मल चीट शीट भी है, जो कि एक PDF फॉर्मेट या इमेज JPG फॉर्मेट होती है नॉर्मली टूल किट्स की। तो गिट बेसिकली है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। अब ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बेसिकली ये है कि
जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, ठीक है, तो उस चीज की डेवलपमेंट हमेशा मॉड्यूल वाइज होती है। मॉड्यूलर अप्रोच ज्यादातर हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को डेवलप कर रहे हो, चाहे वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एक वेबसाइट हो, चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट का आप पार्ट उठा लें। तो जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन हाइब्रिड एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमें डिफरेंट वर्जन से गुजर के अपनी कोड बेस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा कोड बेस होता है वो डायरेक्टली मतलब वन शॉट में रेडी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो वाटरफॉल मॉडल की तरह डायरेक्टली ये नहीं होता कि वन शॉट आपका कोड रेडी हो गया। ठीक है, उसमें आप ऑब्वियसली मॉड्यूल वाइज कोड को ब्रेक डाउन करते हो और उस मॉड्यूल को फिर आप फिर डेवलप करते हो, और फिर जब उसमें आपको अपग्रेडेशन करनी होती है या अपडेशन करनी होती है तो फिर आप उसमें अपडेशन करते हो। तो टू ट्रैक ऑल दीज स्टेप्स ऑफ कोड बेस वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं, कि आपने जो काम किया, जो स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया, उस पूरे जो काम का एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट मेंटेन करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे मशहूर सिस्टम जो अभी यूज हो रहा है वो गिट ही है। ठीक है, गिट और गिटहब में क्या फर्क है? गिट बेसिकली आपकी लोकल जो सिस्टम के अंदर फाइल्स होती है उनके वर्जन कंट्रोल्स करने के लिए यूज होता है, और गिटहब यही सेम काम करने के लिए क्लाउड पे यूज होता है। जब आप क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं, जब आप कहीं से भी आप अपनी फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, या आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा UI/UX पे काम कर रहा है, एक बंदा बैकएंड पे काम कर रहा है, एक बंदा APIs पे काम कर रहा है, एक बंदा उसकी SQA कर रहा है, तो ये डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं जो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दौरान। टू मेक कोड अवेलेबल टू एवरीवन एट एवरी इंस्टेंस या ऑन एवरी अपडेट, तो हम उस चीज के लिए गिटहब यूज करते हैं। गिटहब के अलावा गिटहब के और भी वेरिएंट्स हैं गिट के, क्लाउड वर्जन के अंदर गिट बकेट, बिट बकेट है, और इसके अलावा जो मशहूर है बिट बकेट ही है, और ये गिट हब, ये दो ज्यादा ज्यादातर यूज होते हैं। इसके अलावा भी मेरे ख्याल और होंगे, लेकिन मैंने उनको यूज नहीं किया, मेरा बिट बकेट के साथ और गिट हब के साथ ही वास्ता रहे। गिट हब और बिट बकेट में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। बिट बकेट बेसिकली आपकी प्राइवेट रिपोजिटरीज बनाने के लिए यूज होता है। प्राइवेट रिपोजिटरी और ओपन सोर्स रिपोजिटरी क्या होती है, या ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ ओपन सोर्स क्लियर करना आपको जरूरी होगा। ओपन सोर्स बेसिकली ये होता है कि अगर आप ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपने एक चीज बनाई, मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन बनाई छोटी सी, सॉरी, तो अगर आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और अब आप ये चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन को लोग यूज भी करें, और अगर किसी चीज किसी को वो एप्लीकेशन किसी कोई एक मिसिंग पार्ट लग रहा है या कोई फीचर ऐसा है जिसमें कोई और कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप किसी वजह से उसको अपडेट नहीं कर पा रहे, तो आप उस कोड को ओपन सोर्स कर देते हैं। तो कोड को ओपन सोर्स करने का फायदा क्या होता है कि जितने भी डेवलपर्स हैं, कॉमन डेवलपर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन योर कोड। ठीक है, वो आपके कोड में आपके साथ हिस्सा डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक इमेज फिल्टरिंग की ऐप है, ठीक है, तो इमेज फिल्टरिंग की जो ऐप है आपकी, मिसाल के तौर पे वो इमेज फिल्टर तो कर रही है, लेकिन उसके ऊपर जो एल्गोरिथम लगा हुआ है वो स्लो है। तो मिसाल के तौर पे एक PhD स्टूडेंट है जिसने इमेज प्रोसेसिंग पे काम किया था, वो आया, ओपन सोर्स आपने कोड किया हुआ था, गिटहब पे डाला हुआ था, उसने आपके कोड को क्लोन किया अपने पास, मतलब कॉपी बनाई आपके कोड की, और उसमें उसने वो फीचर अपडेट कर दिया, एल्गोरिथम उसने जो बनाया था अपने PhD में वो उसने ऐड कर दिया और कोड रिपब्लिश कर दिया, या आपकी जो रिपोजिटरी थी उसके साथ उसने मर्ज कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन अब अपडेट हो गई। ठीक है, अब जो नए लोग आएंगे अब वो अब आपकी अपडेटेड एप्लीकेशन को यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई और थर्ड पर्सन आया, उसने बोला इसका यूजर इंटरफेस और अच्छा हो सकता है, उसने यूजर इंटरफेस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया। इस तरीके से आपस में कम्युनिटी, जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, वो आपस में मिलकर काम कर रही होती है। ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर पब्लिकेशन पर्पस भी हो सकता है, फॉर लर्निंग पर्पस भी हो सकता है, फॉर देयर फेम,
क्या हम फेमस हो जाए, ये भी एक इंटेंशन हो सकती है डेवलपर की, जिसकी वजह से वो आपके कोड में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट गिट वर्जन को कंट्रोल करने का, या वर्जन जो बन रहे हैं आपके कोड के उनके स्नैपशॉट मेंटेन करने का लोकल में सिस्टम है, और गिटहब आपका ओपन सोर्स क्लाउड के ऊपर जब आप कोड के वर्जन को कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल जो टूल किट है या टूल है वो गिटहब है। ठीक है, लोकल फाइल्स को जब आपने क्लाउड पे अपलोड करना होता है तो उसके लिए आपको गिट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पहले लोकल डेवलपमेंट करते हैं, लोकल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप क्लाउड के ऊपर या लाइव करते हैं किसी भी सिस्टम को, और उसके लिए आपको गिट हमेशा रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको गिट आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली गिटहब आ गया, क्योंकि कमांड्स दोनों पे सेम चलती है। और गिटहब में ज्यादा पब्लिक रिपोजिटरीज आप जितनी बनाना चाहें, आप जो ओपन सोर्स होती हैं वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट रिपोजिटरीज आपको बनानी है तो पेड होती है, ठीक है, मेरे ख्याल से वो 5 रिपोजिटरीज आपको $10 या पता नहीं कुछ उसकी कॉस्ट है, ठीक है, कुछ कॉस्ट है, 120 है या $10 है, इस कॉस्ट में आपको वो 5 रिपोजिटरीज अलाउ करता है कि आप प्राइवेटली बना लें। अब शायद नहीं होती, शेरोस कह रहे हैं कि अब पेड नहीं होती, तो मे बी शायद इन्होंने अपडेट कर दी उस चीज को कि अब नहीं, अब वो लेते हो कॉस्ट इस चीज की, क्योंकि अब ट्रेंड ओपन सोर्स का ही है, तो मे बी फॉर कंपटीशन इन्होंने कर दिया हो। मैं अभी तक वैसे ओपन सोर्स ही रखता हूँ, पब्लिक ही रखता हूँ, कोई ऐसी चीज है नहीं कोड में जो मैं छुपा के तीर मार लूंगा पूरी दुनिया, क्योंकि खुद कोड करने के लिए दूसरे लोगों के कोड से हेल्प ले रही होती है, तो सिमिलरली मैं भी हेल्प ले रहा होता हूँ, हर कोई हेल्प लेता है। ठीक है, तो खैर, तो गिट की कॉन्फ़िगरेशन और गिट को सेटअप करना बहुत सिंपल है। सिंपल, जिस तरीके से आप एक सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वर्ड को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इंस्टॉल होता है। बस एक ऑप्शन आता है बीच में, तीन डिफरेंट स्क्रीन आती हैं उसमें, ठीक है, मतलब पहले आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो बीच में एक स्क्रीन आती है, उसमें बस कमांड प्रॉम्प्ट चूज करना होता है। जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे या डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा तो वैसे पूछ लेगा, आपस में एक दूसरे की आप हेल्प भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी गिट यूजर हैं या गिटहब यूजर हैं तो वो एक दूसरे को आपस में हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से एनवायरनमेंट स्टेब्लिश हो। ठीक है, अच्छा जी, तो एक सिंपल इंस्टॉलेशन मेरे पास तो क्योंकि हुई भी है, तो मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट पे एक सिंपल एक पहले फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें एक फाइल सेव कर लेता हूँ, और फिर गिटहब से उसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारा काम मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बाय द वे ये कैटेगरी वाइज इन्होंने वैसी वो कर दिया है डिवाइड, बहुत इजी कर दिया है। जब आप प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो इनिट इनिशिएट करना होता है प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो उसके लिए कमांड इनिट होती है, गिट इनिट, वो चला के दिखा दूंगा। गिट क्लोन का मतलब ये होता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, या एक रेपोजिटरी गिटहब पे आपने बना ली, उसकी कॉपी आप पहले लोकल पहले कॉपी बनाते हैं, फिर उसमें फाइल्स ऐड करके देन उसमें दोबारा अपडेट करते हैं। तो बेसिक स्क्रीनशॉटिंग या स्नैपशॉटिंग के लिए, बेसिक वर्जन कंट्रोलिंग के लिए ये कुछ कमांड्स हैं, ऐड, स्टेटस, डिफ, कमिट, नोट्स, रिस्टोर, रिसेट, RM, MV, ठीक है, RM और MV रिमूव के लिए और मूव के लिए। और ब्रांचिंग और मर्जिंग क्या होती है, ब्रांचिंग की फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स की हद तक, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रांचिंग का मैकेनिज्म या ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली कि मिसाल के तौर पे अगर आप फीचर वाइज अपने एप्लीकेशन को ब्रांचेस में ब्रेक डाउन करना चाहें तो डेट इज ऑल्सो पॉसिबल। ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि बाई डिफॉल्ट गिट के अंदर या गिटहब के अंदर मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है, और मास्टर और ये जो इसका जो बनाने वाले या जिसको डिजाइन किया था गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वो वही है जिन्होंने लिनक्स बेसिकली फाइल सिस्टम पूरा लिखा है, तो वही उन्हीं मतलब टीम ने या उन्हीं लोगों ने इसको भी डेवलप किया है, तो उसी मैकेनिज्म के ऊपर ये चल रहा है। तो मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट होती है, जिस तरीके से रूट एडमिनिस्ट्रेटर या रूट यूजर होता है, ठीक है, या एडमिन यूजर होता है सिस्टम के अंदर, उसमें मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप और ब्रांचेस बनाना चाहें तो डेट इज ऑल्सो पॉसिबल, उसके लिए कमांड्स हैं, वो आप कमांड यूज कर सकते हैं। अगर आप अपडेट करना चाहें कोड, शेयर करना चाहें, उसके लिए अलग कमांड्स हैं, पुश है, फेच है, रिमोट है, सब मॉड्यूल है। ये क्या होता है, इन सबको हम यूज करके कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं आज। अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं या कंपेरिजन करना चाहते हैं अपनी वर्जन के दरमियान जो आपके
कि जो कमेंट्स हैं, ठीक है, कमेंट बेसिकली ये होता है कि जब भी आप अपग्रेड करते हैं या अपडेट करते हैं, तो आप या कोई भी फाइल ऐड करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो काम जब फाइनलाइज हो जाता है तो आप कमिट कर देते हैं उसको। कमिट करने का मतलब ये है कि ये मेरा काम डन हो गया है, ठीक है, अब मेरी तरफ से ये पास है, तो आप एक कह लें एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उसको कमिट करते हैं। तो उस कमिट को चेक करने के लिए, डिफरेंट कमिट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए भी कमांड्स हैं, ठीक है, और पैचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिबगिंग के लिए भी कमांड्स हैं। अगर सर्वर साइड या एडमिनिस्ट्रेटर साइड चले जाएं तो उस वहाँ उसके लिए अलग कमांड्स हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल गाइड्स हैं, उनको भी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। प्लम्बिंग कमांड्स, इनकी भी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हमें जो वास्ता ज्यादातर पड़ता है वो गेटिंग एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट से पड़ता है, बेसिक स्नैपशॉटिंग, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग से पड़ता है, और शेयरिंग एंड अपडेट। ये चार बेसिकली कंपोनेंट है जिनसे हमारा वास्ता मोस्टली पड़ता है, ठीक है। तो आप इन्हीं को अगर एक एक करके देख लें, एक एक करके इसको एक्सप्लोर कर लें, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं अपना डेस्कटॉप शेयर कर देता हूँ, और उस पर आपको मैं एक काम करके दिखा देता हूँ। एक सिंपल सा फोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर पे काम करके देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ पहले, ऑर्बिट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और इसमें अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा जब आप राइट क्लिक करेंगे, गिट जीयूआई, गिट बैश, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा जो टूल यूज करेंगे वो गिट बैश होगा, या आप यूज जो कर रहे होंगे थ्रू आउट द डेवलपमेंट फेस ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट, वो गिट बैश होगा, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास या जिनके पास ये एनवायरमेंट स्टेब्लिश्ड है, वो साथ साथ चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, या अगर जिन्होंने डाउनलोड कर लिया या डाउनलोड हुआ हुआ उनके पास, तो वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा माइक, अगर कोई क्वेश्चन ना हो ना तो म्यूट कर दिया करो, ये बात मैं शुरू से बोल चुका हूँ बहुत दफा, थोड़े से सीनियर स्टूडेंट्स हो तो सीनियर हो जाओ थोड़े से प्लीज। अच्छा जी, राइट क्लिक, गिट बैश हेयर। गिट बैश हेयर का मतलब ये कि इस फोल्डर पे बेसिकली गिट बैश को ओपन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, ठीक है, ये आपका सिंपल जिस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट होता है उस टाइप की ही स्क्रीन है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बस यहाँ पे गिट का लोगो है और सिंपल इज दैट। तो सबसे पहला काम, अगर आपने रिपोजिटरी जब बनानी होती है उसके लिए जो कमांड यूज होती है, अगर आप चाहें तो खाली कमांड्स भी अपने पास नोट डाउन कर लें, लिस्ट डाउन कर लें, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, एक ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी होगा आपके पास, और अगर आपके पास अभी सेटअप है तो आप साथ साथ चल भी सकते हैं, ठीक है। तो गिट इनिट ये बेसिक कमांड है जिससे बेसिकली आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी एक, या वर्जन कंट्रोलिंग का काम जिस भी आप फोल्डर का करना चाहें उसका आप स्टार्ट करने के लिए उस फोल्डर पे जाएं, उसमें गिट बैश ओपन करें और गिट इनिट लिख दें। गिट इनिट लिख के एंटर करेंगे, ये इसने एक एम्प्टी रिपोजिटरी मेरी यहाँ पे बना दी है। एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए सिंपल सा काम है, आप व्यू में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, फोल्डर्स में जाएं, और ये हिडन फोल्डर्स होते हैं, शो हिडन फोल्डर्स, उसको अप्लाई कर दें, ठीक है, और ये आपको गिट नजर आ गया होगा, ठीक है। अब इसको क्लिक करें तो इसमें हमारे का हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसका बेसिकली ये है, हेड क्या होता है, कॉन्फ़िग क्या होता है, इसको अभी फिलहाल एक्सप्लोर करने की आपको जरूरत नहीं है, इस कोर्स के अंदर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ इसकी अपनी फाइल्स हैं जिनको ये यूज करता है, टू मेंटेन योर कोड वर्जन्स, आप बस इतना समझ लें, ठीक है। अगर इतना भी समझ लेंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको मैं अगेन कर देता हूँ जो प्रीवियस सेटिंग थी मेरी, ठीक है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, गेट तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इस पे स्क्रीन चेंज कर ली है, ठीक, और गिटहब पे जाता हूँ, एक मेरी जो पुरानी रिपोजिटरीज बनी हुई है, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होती है, बिल्कुल पहले रिपोजिटरी बताना भूल गया। ये जो फोल्डर है
जो हमने अभी लोकली बनाया, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर एक हमने गिट इनिट की कमांड लिखी। तो गिट इनिट की कमांड लिखने से जो हमारा फोल्डर है वो एक रिपोजिटरी बन जाता है, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक फोल्डर, कहें आप रिपोजिटरी करें एक ही बात है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, टर्मिनोलॉजीज का फर्क है। डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर हो सकता है कुछ और मतलब भी इसके लिए जाते हो, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए, स्पेशली जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम जो इस टूल से जिनकी वाकफियत हो रही है, उनके लिए बस ये है कि एक फोल्डर है जिसके वर्जन कंट्रोल हो रहे हैं। आपको बस ये समझना है, रिपोजिटरी ऐसा फोल्डर होता है जिसके वर्जन कंट्रोल हो रहे हो, ठीक है, और एक नॉर्मल फोल्डर वो होता है, उसके भी वर्जन होते हैं, लेकिन हम उन वर्जन को ट्रैक नहीं कर सकते। रिपोजिटरी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, विद द हेल्प ऑफ कमांड या कमांड्स हम लोग ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि हम पहले क्या कर चुके हैं इस फोल्डर के अंदर, अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरी कुछ रिपोजिटरीज बनी हुई है। अच्छा, इस दफा का मैं टास्क होगा ये आप लोगों के लिए कि आप लोग नेक्स्ट जब भी क्लास हो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो आपका थर्सडे आएगा उसमें क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे फिर क्लास होगी अब आप लोगों की। तो उस क्लास में में जब आप आए तो आपका गिटहब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ये एक टास्क है आपका, वो मैं थ्रेड बना दूंगा गूगल क्लासरूम पे, और गिट आपके पास लोकली इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, और पहला कमिट आप रिपोजिटरी में कर चुके हो कि स्टार्टिंग या माइलस्टोन वन स्टार्टेड या जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। प्रोफाइल देखना चाहें तो ये आपकी प्रोफाइल होती है, डिफरेंट जो आप काम करते रहे हो, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है जो मैं काम ओवर द टाइम करता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटीज हैं, ये बेसिकली कंट्रीब्यूशंस होते हैं, अगर उनको ट्रैक करना चाहे तो उसके लिए है। माइक काइंडली म्यूट कर ले, मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप खुद कर ले तो बेहतर है, मुझे बाद में जाके फिर ऑप्शंस में जाके करना पड़ता है। क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली जहां पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, वहां पे आप मुझे स्टॉप करें, आप मुझसे पूछें, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर चलने दें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जो 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने इसको टूल को पढ़ा था, और पढ़ने का भी अजीब अलग स्टोरी है बहुत। तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था मैंने इसको, मैंने कहीं और पढ़ा था इसको एज अ कोर्स, उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लोर करी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज करते रहे, फिर डिफरेंट टाइम्स में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में, कहीं ना कहीं जब ऑफिस में काम किया तो उसमें भी काम करते रहे। खैर, तो पहले गिटहब ओपन सोर्स कम्युनिटी थी, लेकिन अब फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको वो ले लिया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है, अभी भी ओपन सोर्स ही है स्टिल, लेकिन अब इसका जो डाटा है वो माइक्रोसॉफ्ट उसका ओनर कह लें या जो भी कहें आप उसको, वो है फिलहाल जो वो है रिपोजिटरीज हैं डिफरेंट, ठीक है। एक मैंने ऐसी टेस्टिंग रिपोजिटरी बनाई दी थी टेस्टिंग किट के नाम से, तो ठीक है। अब इस रिपोजिटरी के अंदर खाली एक रीडमी फाइल पड़ी हुई है। रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल बेसिकली वो फाइल होती है जिस फाइल के अंदर बेसिकली आप या जिस रिपोजिटरी में जो चीज आपने रखी हुई है, जो कोड्स आपने रखे हुए हैं या कोड बेस जो आपने रखी हुई है, उसको वो है किस चीज के लिए, उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है वो रीडमी होती है, ठीक है। रीडमी फाइल्स वैसे मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है, मार्कडाउन लैंग्वेजेस या HTML अगर आपको लिखना आती है तो आप मार्कडाउन भी लिख लेंगे, ठीक है। काफी सारे टैग्स ऐसे हैं जो HTML और मार्कडाउन दोनों में सेम होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं वो आप गूगल कर लेंगे, गूगल से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पैराग्राफ हेडिंग्स वगैरह HTML में जैसे लिखते हैं सेम यहाँ पे भी वैसे ही लिखनी है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नई चीज नहीं होती, ठीक है। बाय द वे, फाइल्स को अपलोड करने का या क्रिएट करने का क्लाउड भी ऑप्शन है, लेकिन क्लाउड का ऑप्शन में मसला क्या है कि सिंगल सिंगल करके फाइल आपको अपलोड करनी पड़ती है, आप मल्टीपल फाइल्स को जब अपलोड करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो जिस तरीके से आप वर्जन कंट्रोल करना चाहते हैं उस तरीके से आप डायरेक्टली इस फीचर से नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आपको लोकल रिपोजिटरीज की बनानी ही पड़ती है, ठीक है। ब्रांचेस यहाँ पे क्योंकि एक ही ब्रांच है मास्टर, तो इसलिए मास्टर ब्रांच ही आ रही है, अगर और ब्रांचेस होती तो यहाँ पे उसका भी ट्रैक आ रहा होता।
आपको मास्टर ब्रांच में ही काम करना होगा, आप डिफरेंट ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी की मर्जी है, अगर वो समझता है कि या समझती हैं कि उनकी इतनी एक्सपर्टीज है तो वो उस चीज को कर सकता है। अब ये पता नहीं कोई ओपन सोर्स है तो पता नहीं कोई है ये इसने कंट्रीब्यूट कर रहा है इस रिपोजिटरी के अंदर, हालांकि इस रिपोजिटरी में कुछ है नहीं लेकिन उसने कंट्रीब्यूट कर लिए। चलें खैर कोड। अच्छा जी, जब कोड कनेक्ट करना हो आपको अपनी रिपोजिटरी से तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। कोड आइदर आपको डाउनलोड करना हो, ठीक है, कोड आइदर अपडेट करना हो या अपलोड करना हो, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है। HTTPS SSH का ये ऑप्शन है और GitHub CLI ये टूल है उसका उसके लिहाज से है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, इस लिंक को। तो उसके लिए कमांड है गिट क्लोन की, तो हम गिट क्लोन के साथ इसको यूज करेंगे इस लिंक को। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। या आप डायरेक्टली इसको पूरे को चूज करके कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पर आए और यहाँ पर लिखें गिट क्लोन और करते हैं राइट क्लिक, ठीक है। तो एंटर करें, क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अगर मैं अपने फोल्डर पे आऊँ जो कि टेस्टिंग गिट का था, टेस्टिंग गिट के नाम से फोल्डर आ गया, उसके अंदर रीडमी आ गई, ठीक है। ये रीडमी वही है जो हमने देखी। इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन करना चाहूँ, मेरे पास वो है तो उसमें ओपन हो जाएगा। अगर कोई और टूल है तो उसमें भी ओपन हो जाएगा, जो भी टूल है। तो ये बेसिकली एक वो है सिंपल रिपोजिटरी, ठीक है। इसमें डिस इज टेस्ट रेपो, डबल हैश का मतलब होता है, हैश का मतलब होता है बेसिकली पॉइंट्स, हेडिंग के जो एचटीएमएल पॉइंट्स होते हैं वो, ठीक है। बी प्रोग्रामर गो टू, अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए ये एंगल ब्रैकेट्स यूज होते हैं, और आप ब्रैकेट में उसका लिंक दे दें तो वो ऑटोमेटिकली जो एंकर टैग होता है जिस तरीके से एचटीएमएल वो वाला काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है तो मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग रिकनेक्ट हो लें। हसान नूर ने बोला कि जिनकी रिपोजिटरी बनी हुई है या जिनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट है या जिनको इस पर काम आता है तो बस वो उसी रिपोजिटरी, एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे AI प्रोजेक्ट फॉल 2021, सॉरी स्प्रिंग 2021, और AI फॉर AI लिख लें या जो भी नाम आप रखना चाहें। तो एक नई रिपोजिटरी बनानी होगी उस, और उस रिपोजिटरी का स्क्रीनशॉट आपने सबमिट करना होगा एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, कि हमने ये रिपोजिटरी बना ली है। और हम दो दो जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी आपस में आप लोग कंट्रीब्यूट करके लिस्ट शेयर करेंगे आपस में, मैं एक लिस्ट बना दूंगा उसमें गूगल उसकी, उसमें आपको एडिट का एक्सेस दे दूंगा आप क्लास को। तो उसमें आप फिर ये कर सकते हैं कि अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम और प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, और आप लोग का प्रोजेक्ट क्या है, बस ये, ठीक है। बाकी वो माइलस्टोन्स बना दूंगा, फिर माइलस्टोन वाइज आप लोग फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो, फिर आगे मैं सेकंड सेशन स्टार्ट करता हूँ तो फिर उसमें डिस्कस कर लेता हूँ।